किसी भी वजह से आपके रिश्ते में झगड़ा, फसाद और दूर जाने की संभावना बन रही है, आपको छोड़ रहा है कोई या छोड़ने की बातें कर रहा है, अगर आपके प्यार में आपका दिल टूट गया है, अगर प्यार में ब्रेकअप होने की कंडीशन बन गई है या ब्रेकअप हो गया है, अगर आपके रिश्तों में खटास आ गई है और दूसरों की वजह से बहुत झगड़े होने लग गए हैं, अब लगता है साथ रहना मुश्किल हो जाएगा पर तुम छोड़ना नहीं चाहते, तो बस आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। आपके जीवन में लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और लव लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है और आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत किया जाता है। यूं कह सकते हैं कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ गीता, वेद, पुराण शास्त्रों का, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गोबर और सिंदूर आपके अपने जीवन में सुगंधी लेकर के आएगा, आपके जीवन में प्यार को खींच कर लाएगा, प्यार आपका होगा, आपके हिसाब से चलेगा, रिलेशनशिप आपके हिसाब से होगा, आपका संबंध, आपका शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में आपका वश होगा, आपके हाथ में चीजें होंगी, आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा, बस थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा सिंदूर की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन में सिर्फ ये दो वस्तुएं पूरी तरह से आपके जीवन को ठीक कर देंगे। जिस प्रकार से स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, जिस प्रकार से दिया जलाने से माहौल शुद्ध होता है, जिस प्रकार से धूप बत्ती जलाने से एटमोस्फेयर बेहतर हो जाता है, वैसे ही ये उपाय करने से लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाती है। ये बहुत अद्भुत उपाय है। सबसे पहले तो मैं भी भूल गया, हैप्पी दीपावली। आज बहुत मन से, बहुत आनंद से, बहुत खुशहाली से दीपावली मनाइएगा। दीपावली हर्षोल्लास का पर्व है, दीपावली सौहार्द का पर्व है, दीपावली एक दूसरे के दिल मिलाने का पर्व है, दीपावली गले लगने का पर्व है, दीपावली एक दूसरे को प्रेम बांटने का और दूसरों के चेहरों पर खुशी देने का पर्व है, दीपावली अंधकार मिटाने का पर्व है, अज्ञानता समाप्त करने का पर्व है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, अमाद, प्रमाद, अवसाद समाप्त करने का दिन है, दीपावली रोग समाप्ति का दिन है और दीपावली डाउट, शक, संदेह, संबंधों में इन सब चीजों को खत्म करने का दिन है। दीपावली बहुत स्पेशल पर्व है। आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आप परिवार को यानी गोवर्धन पूजा पर कर सकते हैं। गोवर्धन की बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण के जीवन में जब भी कोई दिक्कत आई तो उन्होंने गोवर्धन, अरे भाई रुको, भगवान कृष्ण मतलब तुम्हारे प्यार के आइकन, भगवान कृष्ण मतलब जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार करना सिखाया पहली बार, भगवान कृष्ण मतलब पूरे विश्व को जिन्होंने प्यार का संदेश दिया। उनके जीवन में जब भी कोई तकलीफ आई तो उन्होंने अपने साथ ही नहीं पूरे के पूरे गोकुल को, पूरे को पूरे ब्रजमंडल को गोवर्धन की पूजा सिखाई। बहुत अद्भुत महिमा है। भारतीय परंपरा में, हिंदू समाज में वैष्णवों के घर गोवर्धन पूजा बड़ी स्पेशल तरीके से मनाई जाती है। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन सरकार छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन सरकार मानसी गंगा को स्नान करो, नित चक्रेश्वर को ध्यान करो, परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन सरकार छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। उनको प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गोवर्धन की कृपा से आपके अपने जीवन में जिस प्रकार से सबको प्रेम मिला, गोवर्धन पर जाने वाला विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, गोवर्धन पर जाने वाला विश्व में एक भी पर्सन ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने कोई मान्यता मानी और मेरी पूरी नहीं हुई,
गोवर्धन परिक्रमा करने वाले हर वर्ष जाकर के गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा की अद्भुत महिमा है, जिसको भगवान साक्षात ईश्वर ने जिसकी पूजा की हो उसकी महिमा का गुणानुवाद कौन ही कर सकता है। असित गिर संभम सात कज्जलम सिंध पात्र सुरतरवर उशाखा लेखनी पत्र मुरभी लिखन यद गृही पा शारदा सर्वकालम तदपित कुलानाम मीश पारम न याति। भाई कोई 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 सामी नहीं है उसका, कोई सानी नहीं है, कोई कोई भी उसका सामान्यतः गुणानुवाद नहीं कर सकता। जिसकी महिमा, जिसका गुणानुवाद, जिसकी पूजा, जिसकी अर्चना स्वयं त्रिलोकीनाथ ने की हो उसके लिए क्या ही कुछ कहना। आज उसकी कृपा और करुणा आपके सामने परोस रहा हूं, बहुत सादगी के साथ, बड़ी सरलता के साथ पूरे के पूरे ग्रंथों का समूह आपके सामने रख रहा हूं। तुम जिस भी उम्र के बच्चे हो, तुम्हारी जो भी उम्र है, तुम जिस भी संप्रदाय से अपना संबंध रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा गोबर और सिंदूर ही तो चाहिए आज तुम्हें, बस तुम्हें इतनी सी वस्तु। अरे भाई पूरी की पूरी सामग्री बताऊं क्या? गोबर चाहिए, सिंदूर चाहिए, दूध चाहिए, बस तीन चीजें तो चाहिए तुमको, उसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस ये तीन चीजों से आपके अपने जीवन में बस सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम्हारे जीवन से जितने भी तुम्हारे पाप ताप है, जो भी तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म है, जो भी तुम्हारे बुरे सत्कर्म है, या तुम्हारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आंशिक रूप से, बौद्धिक रूप से, किसी भी रूप से अगर पाप हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, प्रभु राज का हुई नहीं व्यापा, गोबर धनु संग व्यापा, देहिक देविक। कोई भी ताप, कोई भी संताप, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या विश्व में ऐसी है ही नहीं कोई दूसरी जिसको इस उपाय से काटा नहीं जा सकता। प्रेम, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ, इससे त्वरित ठीक हो जाता है। तुमने इधर किया, उधर उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। सामग्री के नाम पे गोबर, सिंदूर, कच्चा दूध, तीन ही चीजें तो चाहिए आपको, बस इतने ही मात्र से सब संभव हो जाता है। सब संभव हो जाता, मन का हो नहीं घबराता, गोबर धन की पूजा करके सब संभव हो जाता, सब कुछ प्राप्त होता है जो तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारा मनोरथ है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं। और देखो आज मैं कह रहा हूं कि तुम गृहस्थ लोग भी इसको कर सकते हो, आज मैं कह रहा हूं कि तुम अपने परिवार में बरकत के लिए कर सकते हो, तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा की कृपा हो उसके लिए कर सकते हो, तुम्हारे घर में खूब खुशहाली आए उसके लिए कर सकते हो, तुम्हारे घर में सब प्रसन्न रहे उसके लिए कर सकते हो, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि हो उसके लिए कर सकते हो। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपका करोड़ों करोड़ों शुक्रगुजार करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ और दिन रात सुबह शाम 24 घंटे आपको याद करती हूँ। गुरु जी बस आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा खुश रहूँ, हंसते रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, हंसती रहती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, मुझे बहुत खुश हूँ, बहुत बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर बनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर स्थितियाँ, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो भी आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी मनोकामना, ऐसी शुभकामना, ऐसा आशीर्वाद। जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ। तो मेरी बात मान रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, तो मेरी बात समझते हो ये बहुत बड़ी बात है, तुम हमारी बात का आदर सम्मान करके आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा सब ठीक हो रहा है। सीधा उपाय को और लेकर के चलता हूं, ये बड़ी कृपा महिमा का गुणानुवाद है। आज 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 मेरे पास शब्द कम है क्योंकि बात बहुत बड़ी है।
आज मैं कह रहा हूं कि इस उपाय से ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो बेचारे सिर्फ देखते हैं मुझे, आज शायद इतने दिनों की तपस्या के बाद आज उनके लिए भी दिन है। आप गोवर्धन पूजा अगर पूरी भली भांति करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप आज के दिन 56 भोग लगाएं, अनेकों प्रकार के व्यंजन लगाएं, भोग करें, ये सब बहुत अच्छी बात है। इनके घरों में होता है वो सब बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ करें, उन सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो व्यूवर्स हमारे सिर्फ प्रेम के संबंध में हैं, मैं उनके लिए एक बात कर रहा हूं। आपको चाहिए थोड़ा सा गोबर। इस गोबर को आपको करना क्या है, सिर्फ एक पहाड़ का आकार बना देना है गोबर का, छोटा मोटा, जितना बड़ा भी आपको मिले, जो भी आपके पास, मिनिमम एक मुट्ठी गोबर होना ही चाहिए। मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तुम कितना बड़ा भी पहाड़ बना सकते हो, गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा है, तो उसका एक बना दे। उसे तुलसी के पौधे के पास रखे, उसी में छोटा सा एक आला बना ले, उस आले में पहले थोड़ा सा दूध डाले, उसके बाद अपनी चुटकी से दूध सूख लेने के बाद चुटकी से सिंदूर रख दे, ओम गोवर्धन देवताये नमः कहके प्रणाम कीजिएगा, और ये तुलसी के पास तब तक रखा रहने दीजिएगा जब तक ये थोड़ा सा सेट नहीं हो जाए। उसके बाद इसमें छोटा सा एक दिया जलाइएगा, अगर घी का दीपक नहीं जला सकते तो कपूर से भी जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके अपने जीवन की हर मनोरथ की सिद्धि होगी। आरती पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी आप इसमें कर सकते हैं, गंधक्षत पुष्प से उसका पूजन कीजिए और खूब अच्छे से मनाइएगा। और हाँ, ध्यान रखना, ये आपको आज के दिन से पंचमी तक करना है। गोवर्धन से यानी कल से प्रारंभ करेंगे और इसे 5 दिन तक रखे रहेंगे, 5 दिन के बाद इसे प्रवाहित कर सकते हैं जल इत्यादि में। किसी शुद्ध जगह पे करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, कुछ नहीं मिले तो जमीन में गड्ढा खोद के भी रखा जा सकता है। बहुत आनंद से रखें, वैसे तो अगर ये सूखा करके यहाँ भी रखा रहे तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, इसे आप परमानेंट भी रख सकते हैं अपने पास में। बहुत आनंद से रहें, बहुत खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराएं, पानी पिएं, सुंदर बने, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइए, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है, एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। खूब प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाइए, खूब उल्लास के साथ, आनंद के साथ इस पर्व का स्वागत कीजिए। आज शाम को सावधानी के साथ पटाखे फोड़िएगा, कोशिश करिए मिट्टी के दिए जलाएं, मोमबत्ती इत्यादि ठीक है पर मिट्टी के दिए कुछ जरूर जलाइएगा। जो भी परंपरागत पूजा पाठ है वो सब जरूर करिएगा, खूब श्रद्धा विश्वास के साथ रहिएगा, खूब आनंद के साथ रहने की कोशिश करिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।